शतरंज के दिग्गज खिलाड़ियों में से एक गैरी कास्परो देश की सियासत में उस वक्त चर्चा में आ गए जब उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से पार्टी के उम्मीदवार राहुल गांधी पर इशारों इशारों में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दी। रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर आमतौर पर भाजपा समर्थकों की ओर से ट्रोल किया जाता है, लेकिन शुक्रवार को शतरंज के पूर्व चैंपियन गैरी कास्परोव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें मजाक में ट्रोल कर दिया। कास्परोव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि परंपरावादी कहते हैं कि शीर्ष स्तर के लिए चुनौती पेश करने से पहले आपको रायबरेली से जीतना होगा। शीर्ष स्तर से कास्परोव का इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर था। आपको बता दें कि शतरंज के माहिर खिलाड़ी राहुल गांधी की अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने को कांग्रेस के नेता एक बड़ी सियासी चाल के तौर पर पेश कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी की इस चाल से विरोधी की चारों खाने चित हो जाएंगी। वहीं रूस के 61 साल के पूर्व महान खिलाड़ी ने 2005 में प्रतिस्पर्धी शतरंज से संन्यास की घोषणा की थी। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर की पोस्ट का जवाब दे रहे थे। कांग्रेस ने हाल ही में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अपने मोबाइल फोन पर शतरंज खेलते हुए गांधी का एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में राहुल गांधी ने कास्परोव को अपना पसंदीदा शतरंज खिलाड़ी बताया था और खेल और राजनीति के बीच समानताएं बताई थी। वीडियो में राहुल गांधी ने खुद को राजनेताओं में सबसे अच्छा शतरंज खिलाड़ी बताया था। इस पर एक्स के एक यूजर ने चुटीले अंदाज में लिखा कि बहुत राहत महसूस हो रही है कि कास्परोव और विश्वनाथन आनंद ने खेल को जल्दी अलविदा कह दिया और उन्हें हमारे समय की सबसे बड़ी शतरंज प्रतिभा का सामना नहीं करना पड़ा। कास्परोव ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, शीर्ष स्तर को चुनौती देने से पहले आपको रायबरेली से जीत दर्ज करनी चाहिए। हालांकि बाद में कास्परोव ने यह भी लिखा कि यह एक छोटा सा मजाक था और वह राहुल को शतरंज में हाथ आजमाते हुए देखना चाहेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल किया। वह केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि रूसी ग्रैंड मास्टर गैरी कास्परोव पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं। वह एक लेखक और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है। कास्परोव रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुखर आलोचक है और वह अपने देश से बाहर क्रोएशिया में रहते हैं। भारत में उनकी पोस्ट को लेकर इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं ने राहुल गांधी की एक माहिर शतरंज खिलाड़ी के तौर पर तारीफ में कसीदे पढ़े थे, जिनमें जयराम रमेश और सुप्रिया शिनेत भी शामिल है। रायबरेली से राहुल के नामांकन के बाद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर पर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय है, लेकिन वह सियासत और शतरंज के मंजे हुए खिलाड़ी है और सोच समझ कर दाव चलते हैं। ऐसा फैसला पार्टी के नेतृत्व ने बहुत विचार विमर्श करके बड़ी रणनीति के तहत लिया है। इस फैसले से बीजेपी और उनके समर्थक और चापलूस धराशायी हो गए हैं। बेचारे स्वयंभू चाणक्य जो परंपरागत सीट की बात करते थे, उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। शतरंज की कुछ चालें बाकी है, थोड़ा और इंतजार कीजिए। वहीं जयराम रमेश के अलावा पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया शिनेत ने भी राहुल के चेस प्लेयर होने की बात कही। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा कि जब से राहुल गांधी की रायबरेली से लड़ने की खबर आई है, तब से हर ओर से खूब सारी टिप्पणियों की भरमार है। भूलिए मत, राहुल जी शतरंज के माहिर खिलाड़ी है। उनकी एक ही चाल से बीजेपी और उनके चरण चुंबकों को मूर्छा आ गई है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।